हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो एक कॉन्सेप्ट है इसमें पॉइंट चार्ज क्या है और दूसरा है कि एक्सटेंडेड चार्ज क्या है। पॉइंट चार्ज बेसिकली जो मैथ्स में हम लोग पॉइंट देखते हैं उसी का फिजिकल एस्पेक्ट है। फिजिक्स में दो कॉन्सेप्ट है जो पॉइंट से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, एक है पॉइंट मास और दूसरा है पॉइंट चार्ज। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है ना। तो जैसे मैथ्स में जो पॉइंट है उसी पॉइंट पर अगर मास हो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और तो उसे हम लोग पॉइंट मास कहेंगे, और अगर उसी पॉइंट पर चार्ज हो तो उसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे, है ना। इसी को मास पार्टिकल कह लेते हैं, है ना, और इसको चार्ज पार्टिकल कह देते हैं। दूसरा जो इसमें आइडिया है वो ये कि इन रियलिटी अगर मान लो कि इस बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हम इसे पॉइंट चार्ज कह पाएंगे? इस पर तो चार्ज एक्सटेंडेड है। तो अगर इसमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस बॉडी के लीनियर डायमेंशन से अगर काफी दूर हो तब हम लोग इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। यानी अगर यहां पर ये एक एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है, सपोज करो इसके ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका अपना लीनियर डायमेंशन L है ना, और इस बॉडी से r डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कहता है कि अगर r बहुत बड़ा होगा L से, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है इसे हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। सो इफ लीनियर डायमेंशन ऑफ द चार्ज बॉडी इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बॉडी, देन द बॉडी इज ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज में हम लोग क्या देखते हैं? हमारे पास तीन तरह का बॉडी हो, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी लाइन पर तो हम लोग कहेंगे कि वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज इज स्प्रेड ओवर अ लेंथ, स्प्रेड ओवर अ लाइन, इट इज लीनियर चार्ज। और इसको कैरेक्टराइज करते हैं एक डेंसिटी से जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज मान लो किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सरफेस हुआ, और चार्ज इसके ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी. It is denoted by sigma and it is defined as charge per unit area. And third one is volumetric charge distribution. Agar charge volume mein distributed hai, if charge is distributed throughout the volume, तो इसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और इसको डिनोट करते हैं रो से. इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी. कई बार सिंबल बदल भी दिया जाता है, इसीलिए इसमें हम लोग एसआई यूनिट्स देखते हैं. यहां पर चार्ज अपॉन लेंथ है तो कूलम्ब बाय मीटर यानी कूलम्ब पर मीटर. यहां पर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर बिकॉज चार्ज बाय एरिया है और यहां पर कूलम्ब बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम. सो कूलम्ब पर मीटर क्यूब. इसके डायमेंशंस देखेंगे तो चार्ज का डायमेंशन 80 और यहाँ एल इनवर्स है तो ये एल इनवर्स हो जाएगा. यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 एल इनवर्स 2 हो जाएगा और यहां देखेंगे तो होगा 80 एल इनवर्स 3 हो जाएगा. अब अगर हम लोग किसी बॉडी पर अगर चार्ज फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट राइट इट डाउन. Charge on a body, it is given by integral of differential charge, है ना, integral of dq. और अगर linear charge distribution है तो dq हम लोग कैसे find out करेंगे, ये हो जाएगा lambda dl का integral. अगर सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dq लिखेंगे हम लोग सिग्मा dA का इंटीग्रल, और चार्ज अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग चार्ज को लिखेंगे रो dV का इंटीग्रल, है ना. सो बड़े आसानी से हम लोग इसको इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर लेंगे. यानी हम लोग आर्बिट्ररी पोजीशन पर लेंथ के केस में या यहां पर एरिया के केस में एक आर्बिट्ररी एरिया या वॉल्यूम के केस में एक आर्बिट्ररी डिफरेंशियल वॉल्यूम लेंगे और उसका जो चार्ज होगा उसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें यहां पर टोटल चार्ज ऑन द बॉडी मिल जाएगा. इसे हम लोग प्रॉब्लम वाले लेक्चर में देखेंगे इसके प्रॉब्लम्स. अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उसके क्या मायने हैं, है ना. हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसे हम लोग तीन तरीके से देखते हैं. एक तो कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, दूसरा कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तीसरा कहते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो जब हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल है, इसका मतलब हुआ कि उस बॉडी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है. यानी जितना उसके पास प्रोटॉन है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर इक्वल. जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है निगेटिव चार्ज के कंपेरिजन में. यानी उसके पास प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के नंबर से.
और जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है नेगेटिव चार्ज से, यानी उसके पास प्रोटॉन का नंबर कम है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। लेकिन जब हम किसी बॉडी से को चार्ज करना चाहते हैं तो हम उस पर या तो इलेक्ट्रॉन्स लाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है बनिस्पत प्रोटॉन को रिमूव करने के, इसलिए जब कभी भी हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रॉन के ही टर्म में देखते हैं। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होगा, या बराबर होगा। तो जब कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो इसका मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब यहां पर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो यहां कहते हैं हम लोग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो आता कैसे है, यानी व्हाट आर द मेथड्स, है ना। तो हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्ज। तो हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स हैं चार्जिंग, है ना। हम लोग इसको वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडक्शन। इंडक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का क्या मतलब है? यहां देखो, ये हमारा एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के नजदीक में हमने यहां पर एक चार्ज्ड फिंगर या चार्ज्ड रॉड रख दिया। अब क्या होगा कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है इसके इन्फ्लुएंस के कारण इस कंडक्टर के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स इसके अट्रैक्शन की वजह से इसके आउटर सरफेस पर आकर के रिजाइड करेगा, है ना। तो यहां नजदीक वाला जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर में नेगेटिव फ्री चार्जेस आ गया। अब इसका जो फार सरफेस है, रिमोट सरफेस है, वहां पर एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ गया अगर ये न्यूट्रल था। तो अब क्या हो गया यहां पर कि नजदीक में नेगेटिव चार्ज और दूर में पॉजिटिव चार्ज, है ना। सो अगर इंटरेक्शन की बात करेंगे तो इसके कारण यहां पर अट्रैक्शन हो जाएगा और इसके कारण यहां पर एक रिपल्सन हो जाएगा, ये F1 फोर्स और ये F2 फोर्स। और जो नजदीक में है उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो यहां पर F1 इज ग्रेटर देन F2, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, सो रिजल्टेंट अट्रैक्शन। So, ये जो अट्रैक्शन आ रहा है, सो ये चार्ज्ड है जबकि ये न्यूट्रल है। तो एक चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि अनलाइक में ही अट्रैक्शन होता है। लेकिन वो जो कहा गया था वो था पॉइंट चार्जेस के बारे में। अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल और एक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, भले ही ये नेगेटिवली चार्ज होता तब यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव आता तब भी अट्रैक्शन ही शो करता, तो ये एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में हो रहा है। तो ये आइसोलेटेड एक्सटेंडेड कंडक्टर है। यहां जो ये चार्ज अपीयर हुआ है, ये चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज है, और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है बेसिकली ये क्या है, फ्री चार्जेस है ना। अब यहां पर अगर हम लोग गौर से देखें तो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहां पर नोट कर सकते हैं। क्या कि
इसका जो इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट है? तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट है ना? अगर यहां पर हमने इस कंडक्टर को रिमूव कर दिया तो फिर इसके चार्जेस सेटल डाउन हो जाएंगे जैसा पहले था, है ना? तो ये जो रीअरेंजमेंट है वो फिनिश हो जाएगा, है ना? दूसरी बात कि यहां पर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वह इंड्यूस्ड चार्ज, जिस चार्ज ने इसे इंड्यूस किया है, इंड्यूसिंग चार्ज से क्या होगा, या तो कम होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा। यानी यहां जो इंड्यूस चार्ज है वो इफेक्ट है और ये कॉज है, इफेक्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन कॉज। तो यहां पर इंड्यूसिंग चार्ज कभी, इंड्यूस चार्ज कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज से एक्सीड नहीं करेगा। तीसरी बात कि अगर यह कंडक्टर आइसोलेटेड है, तो इंडक्शन के केस में आइसोलेटेड कंडक्टर का टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना? यानी डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, चार्ज कहीं बाहर नहीं गया, चार्ज कहीं बाहर से नहीं आया, इसी के चार्ज का रीअरेंजमेंट हुआ है, इसीलिए चार्ज कांस्टेंट ही है। हमने सपोज कर लिया था न्यूट्रल, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो उतना ही चार्ज रहता जो बिफोर इंडक्शन था, वही चार्ज रहता आफ्टर इंडक्शन भी, अगर नेगेटिवली चार्ज होता तब भी वही होता, है ना? लेकिन अगर कोई कंडक्टर अर्थड हो या ग्राउंडेड हो या कनेक्टेड टू अदर कंडक्टर हो, उस केस में हमसे बात कर रहा है कि इंडक्शन की स्थिति में क्या होगा, तो उस केस में चार्ज कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है ना? यानी डेल्टा क्यू जीरो नहीं भी हो सकता है। यहां पर कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, सो फर्स्ट राइट इट डाउन। यहां पर जब चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो रहा था, है ना, तो उस दौरान एक करंट था कंडक्टर में, क्योंकि चार्जेस का फ्लो हो रहा था, मोशन हो रहा था, उस करंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। वो करंट काफी थोड़ी देर के लिए होगा, है ना? इंट्रांजिएंट करंट के लिए डेल्टा टी क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। अब कह रहा है कि ऐसा ही फेनोमेना, ये तो कंडक्टर में, ऐसा ही फेनोमेना अगर इंसुलेटर में हो, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर, तो वहां पर इसे हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये कॉम्ब है, कंघी, और इसे हमने अपने सूखे बाल में रगड़ लिया है, और तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि ये पेपर बिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म हम लोग थोड़ा समझें कि यहां पर ये जो कॉम्ब है, सपोज करो कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस पर, इस पेपर बिट के
नियरर एंड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और फार एंड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। नतीजा इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा और इस पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा और ये अट्रैक्शन ओवरकम करेगा रिपल्सन को, सो देयर इज अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द कॉम, इसलिए वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन डिफरेंस इज व्हाट, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है और ये कंडक्टर है और ये नॉन कंडक्टर है ना। तो नॉन कंडक्टर में कैसे होता है ये, इसको हम लोग थोड़ा समझे। तो यहां मान लो ये मेरा बॉडी, अब इसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं, इसमें चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो जाता है अंदर में। यहां पर ये फ्री चार्जेस है, यहां पर चार्जेस फ्री नहीं हुआ, अपने एटम के अंदर ही कैद है, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। नतीजा इसी तरह और भी एटम्स का देखेंगे तो इस सरफेस पर इफेक्टिवली एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया और इस सरफेस पर इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। सो डिफरेंस किस चीज में है, यहां जो चार्जेस अपीयर हुआ है उसमें, ये जो चार्ज अपीयर हुआ है ये यहां की तरह फ्री चार्जेस नहीं है, ये यहां पर बॉन्ड चार्जेस है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है, मेथड है, वो है कंडक्शन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करें इंडक्शन को, तो इंडक्शन को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द फेनोमेनॉन ऑफ रीअरेंजमेंट। चार्जेस ऑफ अ कंडक्टर, या इसको लिखे चार्जेस ऑफ एन एक्सटेंडेड कंडक्टर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड नियर बाय और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में यही चार्ज अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जिसे हम फील्ड कहते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चार्ज बॉडी के प्रेजेंस में किसी कंडक्टर का, एक्सटेंडेड कंडक्टर के चार्जेस का जो रीअरेंजमेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अगला जो हमारा मेथड है वह मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, जैसे यहां पर हम लोगों ने दो कंडक्टर ले लिया है कि ए और बी, और इस पर चार्जेस हैं, तो चार्जेस होने की वजह से इस कंडक्टर के पोटेंशियल्स हो सकता है अलग अलग हो। सपोज करो ए और बी, अगर ए और बी के पोटेंशियल्स अलग अलग होंगे और इसे मैं कॉन्टेक्ट में ले आऊं, या तो इसे मैं टच करा दूं या फिर इसे किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, उस स्थिति में चार्ज का फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों बॉडी का, दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दूसरी बात कि सपोज करो यहां पर एक कंटिन्यूअस कंडक्टर है लेकिन इसके अलग अलग क्रॉस सेक्शंस पे अलग अलग पोटेंशियल है, एक क्रॉस सेक्शन ए है और दूसरा क्रॉस सेक्शन बी है, ये कंडक्टर है हमारा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर ए क्रॉस सेक्शन और बी क्रॉस सेक्शन का पोटेंशियल्स डिफरेंट होगा तो यहां पर भी चार्ज का फ्लो होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है ना। और वैसी स्थिति में क्या होने वाला है कि
एक कंडक्टर मान लो हायर पोटेंशियल पर है और दूसरा कंडक्टर क्या है लोअर पोटेंशियल पर है, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर और नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एंड इट कंटिन्यूज कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना। तो फाइनली क्या होना है, फाइनली पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी बराबर होना है। अगर दोनों का पोटेंशियल शुरू में भी सेम है तो फिर चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इस बात को हम फिर से रिपीट करें कि चार्ज का फ्लो चार्ज के अमाउंट की वजह से नहीं होता है कि एक पे ज्यादा अमाउंट में चार्ज है और एक पर कम अमाउंट में चार्ज है, वह इस वजह से होगा कि उसके पोटेंशियल डिफरेंट हो, है ना। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा। तो यहां पर हम लोग क्या कुछ पॉइंट्स देखें, क्या आ रहा है, तो एक तो ये आ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्यों होगा या फ्लो ऑफ चार्ज, ये इसलिए होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है, कि ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर नहीं है। अगर शुरू में ही ए और बी का पोटेंशियल बराबर है तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी बात, चार्ज का ट्रांसफर होगा तो करंट होगा कितने देर तक, जब तक चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ चार्ज, तो जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है तब तक उसमें एक करंट होगा। अगर वो करंट थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसे पहले की तरह ट्रांजिएंट करंट कहेंगे, है ना। और फाइनली तो पता ही है कि इसके पोटेंशियल्स सेम हो जाएंगे। तो यहां पर अगर हमसे कोई कहे कि हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे कंडक्शन को, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंडक्शन को, तो हम लोग बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंडक्टर टू अदर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सो दिस इज द कंडक्शन। इसमें एक पॉइंट हम लोग नोट कर लें जो हमको आगे प्रॉब्लम्स करते वक्त मदद करेगा, कि अगर एक कंडक्टिंग स्फेयर है तो इस कंडक्टिंग स्फेयर का पोटेंशियल क्या होगा। इसका रेडियस अगर r है तो इसका जो पोटेंशियल होगा है ना v, इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज जो इसके ऊपर में चार्ज है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ये रिजल्ट बड़े काम का है। और ये पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा, अगर मैं यहां पर कंडक्टर पर जो चार्जेस होगा केवल आउटर सरफेस पर होगा
तो उसका चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी हम चार्ज को लिख सकते हैं। स्फेयर के केस में सिग्मा कांस्टेंट होगा, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इट्स सरफेस एरिया 4πr². सो q इक्वल सिग्मा इनटू 4πr², यहां पर q के जगह पर अगर हम सिग्मा इनटू 4πr² एडजस्ट कर दें तो हमें यहां पर मिलेगा v प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इनटू r। सो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। चलो अब हम लोग इसमें आखिरी देखते हैं, वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण कैसे किसी बॉडी पर चार्ज अपीयर करता है, थर्ड इज फ्रिक्शन। और 9th-10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा है कि फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज अपीयर होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहां पर दो कंडक्टिंग बॉडी है या दो डिफरेंट, अगर नॉन कंडक्टर भी है तो दो डिफरेंट मटेरियल का नॉन कंडक्टर है ना। अगर इस दोनों बॉडी को हम रब करें तो इस पर फ्रिक्शन डेवलप कर जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? चार्ज का एक्सचेंज हो गया। यहां पर दो पॉसिबिलिटी आती है, एक तो ये कि ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और बी नेगेटिवली चार्ज हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि ए नेगेटिवली चार्ज हो जाए और बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। अगर हम ये कह रहे हैं कि ए हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बी नेगेटिवली, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ए से बी में, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी कैरी करता है, तो निश्चित तौर पर बी का मास इंक्रीज कर जाएगा और ए का मास डिक्रीज कर जाएगा। और यहां पर ए नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बी से ए में हो रहा है, सो यहां पर ए का मास इंक्रीज कर जाएगा जबकि बी का मास डिक्रीज कर जाएगा। हालांकि मास कितना से इंक्रीज करता है और कितना से डिक्रीज करता है दोनों बॉडी का, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बिकॉज कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। अब यहां पर हम लोग ये बात करें कि आखिर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन निगेटिवली चार्ज होगा। इसको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट जानना होगा जो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देने के लिए, रिमूव कर लेने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है कम से कम, वो है वर्क फंक्शन। या यूं कहें कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी, है ना, तो वो हो गया वर्क फंक्शन। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, यानी वो ज्यादा मुश्किल होगा। और जिसका वर्क फंक्शन छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम एनर्जी लगेगा, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब यहां देखो क्या है इस केस में, ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया मतलब ए से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था बी के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है कि ए का वर्क फंक्शन छोटा था और बी का वर्क फंक्शन ज्यादा था। यहां पर क्या हो गया, ए नेगेटिवली चार्ज हो गया यानी बी से इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब बी का वर्क फंक्शन कम था, ए का वर्क फंक्शन ज्यादा। So this is all about electric charge, its properties, as well as methods of charging and distribution of charges. Thank you. Next lecture में हम लोग charge से related कुछ problems लेकर के आएंगे. Thank you.